आज की लाइफ में ना जॉइंट्स में पेन बहुत आम समस्या हो गई है, और ना सिर्फ बड़े बूढ़ों के बल्कि यंग जनरेशन भी इस दर्द से परेशान रहने लगी है। कंप्यूटर पे बैठते हैं सारा दिन, माउस हाथ में रहता है तो रिस्ट में दर्द हो जाता है, सीधे बैठे बैठे या चेयर पर दिन भर बैठे बैठे उनकी कमर में दर्द होने लगता है, जो लोग ज़्यादा चल रहे हैं उनकी घुटनों में भी दर्द हो रहा है, चलने फिरने से भी हम लाचार हो जाते हैं, इतना दर्द होने लगता है। अब इतना दर्द ना हो उसके लिए आज एक बहुत ही अच्छा सा DIY ऑयल लेकर आई हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने ऑयल बनाया है धतूरे से। धतूरा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग है उसको भी खींच लेता है, दर्द को कम करता है, गर्माई देता है बॉडी को, जिससे आपकी दर्द कम होने लगते हैं। धतूरे का तेल बना रहे हैं हम, तो मुझे ये बड़ी मुश्किल से 3 धतूरे मिले हैं, क्योंकि शिवरात्रि का सीज़न नहीं है, निकल चुका है तो धतूरा भी मुश्किल से मिलता है, तो ये मेरे को छोटे छोटे से 3 मिले। चलिए हम इसी का बना लेते हैं। आपको पता है धतूरा बहुत ही काम की चीज़ है, जोड़ों में जो दर्द होता है, सूजन आ जाती है ना, उसको भी दूर करता है, उसके दर्द को एकदम आराम दिला देता है। तो तेल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसके बीज निकालने हैं। अगर आपका धतूरा पका हुआ है तो बीज बड़े आराम से निकल आते हैं, जैसे ही आप इसको कट करेंगे ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे खुद से, और बहुत ज्यादा जहरीला होता है ये। ये देखिए, इस तरीके से आप पूरे बीज निकाल सकते हैं, और जैसे ही आप ये सारे बीज निकाल लें उसके बाद इसको तुरंत फेंक दीजिए, किसी बच्चे के हाथ में ना लगे इसका जो पीसेस हैं। पहले हम इसको ही फेंक देंगे, बाद में हम बीजों का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीला होता है ये। खाने के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हम टॉपिकल यूज़ करते हैं दर्द में या किसी ज़ख्म पे लगाने के लिए। और इसका और भी अच्छा यूज़ है, अगर आपके सर के बाल जो हैं गिर रहे हैं, आपके गंजेपन का हो रहा है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं। इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना, वही अचार वाला मेथी दाना। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच अजवाइन और 10 से 15 लौंग। सारी चीज़ें गरम हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसका तेल बनाना है, तो मैंने लिया है तिल का तेल। तिल का तेल भी गरम होता है, और आपको दर्द के लिए गर्माई चाहिए जो आपकी सूजन को ख़त्म करे और आपके दर्द को भी खींच ले। तो जो धतूरे का जब हम तेल बनाते हैं ना, वो आपके दर्द को अच्छे से ख़त्म करता है। मैंने लिया 1 कटोरी तिल का तेल या सेसमे ऑयल, उसे गरम करके, और ये जो 4 चीज़ें हमने ली हैं, लौंग, अजवाइन, धतूरे के बीज, अब इसमें हम मिला रहे हैं 15 कलियां लहसुन की। इसको भी अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को, यानी हमारे 5 इंग्रेडिएंट्स हो गए, इन सबको हम ऑयल में पका लेंगे। सारी ही चीज़ों का फ़ायदा दर्द में रहता है, बहुत फायदा करता है ये तेल, और ट्रस्ट में आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत जल्दी असर करता है। तो इन सारी चीज़ों को हम मिला करके उबाल लेते हैं। 10 मिनट उबालने के बाद मैं इसको ढक करके रख देती हूँ, गैस मैंने बंद कर दिया। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको कांच के कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें एक काम और किया है कि मुझे इसे छानना नहीं है, जो भी चीज़ें हमने मिलाई हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के एक साथ हम कंटेनर में रख देंगे, जिससे हर उस चीज़ के गुण तेल में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपको दर्द में बहुत फ़ायदा करेगा।
ना सिर्फ दर्द में, अगर आपके सर में प्रॉब्लम है, ईचिंग है, डेंड्रफ है, तो इसे आप सर में भी लगा सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव तेल है, एक बार जरूर बना करके देखिए। धतूरा वैसे भी घर में फायदा करता है, अगर आप तुलसी के पौधे के साथ में धतूरे का प्लांट लगा देते हैं तो शिव जी की खास कृपा होती है। तो हमारा तेल तैयार है। इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? रात को या दिन में जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, अगर आपकी नी में पेन है या बैक में पेन है, तो हल्के हाथ से कम 5 मिनट मसाज कीजिए। रिस्ट में पेन है, आप इस तरीके से ऑयल लगा करके मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद अगर आपके पास गर्म पट्टी है तो उस पट्टी को बांध लीजिए, या कोई टॉवल बांध लीजिए, या कोई गर्म मफलर टाइप का है आपके पास, उसको आप बांध करके कम से कम आधा घंटा रखिए। आधा घंटे के बाद आप उसे हटा सकते हैं, आपके दर्द में बहुत फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया या यूजफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई ट्रीटमेंट के साथ। तब तक टेक केयर।